नमस्कार मित्र, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो कन्या राशि वालों, मित्रों, दिनांक 16 सितंबर 2023 से आपके घर में एक बहुत बड़ा काल दस्तक देगा। मित्रों, हम आपको इस वीडियो में जो बात बताएंगे मित्रों, वह बात बहुत खास होगी। अनदेखा करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। सबसे पहले अगर नजर डाले पंचांग पर तो आप सभी को बता देते हैं मित्रों कि 16 सितंबर को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है मित्रों। और इस वक्त आप सभी को बता देते हैं कि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का निर्माण हो रहा है, जो कि बड़ा ही शुभ नक्षत्र है एवं शुक्ल नामक योग भी बन रहा है। और अगर मित्रों सूर्य की स्थिति देखें तो सूर्य तो सिंह राशि में ही विराजमान रहेगा, लेकिन चंद्रमा आपकी राशि में मित्रों संचार कर चुका है, यानी कि चंद्रमा की स्थिति में कन्या राशि में होगी। तो अब ऐसे में आपकी राशि पर यानी कि कन्या राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? व्यापार की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से, पारिवारिक जीवन यापन के लिए, प्रेम संबंधों के लिए, साथ ही मित्रों विद्यार्थियों के साथ बेरोजगारों के लिए क्या समाचार है, क्या सावधानियां हैं और क्या खुशखबरियां आपको सुनने को मिलेगी? मित्रों सबसे पहले तो आपसे हाथ जोड़कर छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो को लाइक करना बिल्कुल निशुल्क है। और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से मित्रों, शनिवार का वार है तो 3 बार ओम शनिश्चराय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ओम शनिश्चराय नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। मित्रों आने वाले 24 घंटों में आपको ध्यान रखना है कि सबकी भावनाओं का सम्मान करें और सबको साथ लेकर आप सभी आगे बढ़े, क्योंकि बेकार के विवादों में उलझकर आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। मित्रों आपका पारिवारिक जीवन बहुत मधुर बना रहेगा। बता देते हैं कि परिवार में अचानक से कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिलेगी, जिसके चलते मित्रों परिवार के कुछ लोग आपसे जलन की भावना भी रखेंगे, क्योंकि आपकी तरक्की आपके रिश्तेदारों से नहीं देखी जा रही है। आपको किस्मत का पूरा साथ मिल रहा है, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में इस वक्त बहुत ज्यादा दुख आ रहा है। मित्रों घबराना नहीं है, शांति से और ठंडे दिमाग से आपको सोच विचार करने हैं और जीवन में आगे बढ़ना है। कुछ लोग हैं जो हमें कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि गुरुजी हमारे जीवन में बहुत दुख आ रहा है। तो मित्रों आज हम आपके लिए गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित की गई अष्ट धातु की चमत्कारी सिद्ध अंगूठी लेकर आए हैं, जिसे पहनने से बड़ो दुखों का मित्रों निवारण होगा और परेशानियां खत्म होगी। चाहे कर्ज के तले दबे हुए हो, चाहे किसी रोग से मित्रों आप जूझ रहे हो, या संतान सुख नहीं मिल पा रहा है, परिवार सुख नहीं मिल पा रहा है, मित्रों आपके जीवन में अगर छोटी सी भी प्रॉब्लम है तो आप इस अंगूठी को आज ही ऑर्डर करें। मात्र 499 रुपए की यह अंगूठी मित्रों आपकी किस्मत के ताले खोल देगी, बड़ों से बड़ों दुखों का भी समाधान होगा। इस अंगूठी को जो भी धारण करेगा उसके साथ बालाजी महाराज परछाई बनकर चलेंगे। मित्रों आपको ऊपर नंबर दिखाई दे रहे होंगे, आप सभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज जरूर करें। तो आइए मित्रों आप सभी को बता देते हैं कि जब समय धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो परिस्थितियां आपके पक्ष में आना शुरू होगी। मित्रों आपको घबराना नहीं है, जीवन में कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जिसके बारे में हम सोच सोच कर स्वयं को नकारात्मक बना लेते हैं, लेकिन मित्रों इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, आप भी इंसान हैं, गलतियां सबसे होती हैं। मित्रों गलतियों को सुधारने का प्रयास करें। और हाँ जैसा कि आप सभी को बताया है कि गुरुजी
जो अंगूठी लेकर आए हैं, अगर जीवन में बहुत ज्यादा दुख और तकलीफ आप देख रहे हैं तो एक बार मित्रों गुरु जी के ऊपर विश्वास करके देखिए, गुरु जी आपको कभी निराश नहीं करेंगे। मित्रों परिस्थितियां बदलती रहती है, कभी भी एक समान नहीं रहती है, इसलिए स्वयं को ज्यादा नकारात्मक बिल्कुल ना बनाए। इस वक्त जीवन में वाहन सुख होने की मित्रों संभावना बन रही है, आपके घर में कोई वाहन भी नया आ सकता है और जो जातक लोन के तले दबे हुए हैं वह जातक भी एक बार इस अंगूठी को अवश्य धारण करें। मित्रों बता देते हैं कि आपके घर में बच्चे किलकारी संबंधित शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। बच्चों को मित्रों आप प्यार से समझाएं और कभी भी उनके साथ गलत रवैये से बातचीत ना करें, क्योंकि संतान की मित्रों जो भावनाएं रहती है वह भावनाएं बहुत सरल होती है। आप बच्चों को प्यार से समझाएं, कभी भी उन्हें डांटना और फटकारना नहीं। पिछले कुछ समय से चल रही किसी नकारात्मक परिस्थिति को सुलझाने में आपके प्रयास सफल रहेंगे। मित्रों आपको बता देते हैं कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक परिस्थिति पर ही ध्यान दें, अन्य कई तरह की गतिविधियों में भी व्यवस्था रहेगी और दोस्तों तथा संबंधियों के साथ भी मेल मिलाप रहेगा और खास विषयों पर वार्तालाप भी होगा। मित्रों आप सभी को बता देते हैं कि कोई छोटी सी गलती भी आपको दूसरों के सामने शर्मिंदा कर सकती है, तो ध्यान रखें मित्रों इस वक्त कोई भी गलती करने से आपको बचना है। कुछ समय एकांत अथवा आध्यात्मिक स्थल पर जरूर व्यतीत करें, इससे आपको मानसिक सुकून मिलेगा और युवाओं को कोई उपलब्धि मिलने पर समय का सदुपयोग करना जरूरी है। युवा वर्ग इस वक्त अपने काम से मतलब रखें, बिजनेस में तुरंत फैसला लेना पड़ सकता है, इसलिए बिजनेस को लेकर आप थोड़ा सा सतर्क रहें और इस वक्त तो कोई काम पेंडिंग बिल्कुल भी ना रहने दें। बिजनेस पर ज्यादा पैसा लगाने के लिए समय ठीक नहीं है। मित्रों नौकरी पैसा लोगों को काम ज्यादा होने से ओवर टाइम करना पड़ सकता है और परिवार में आपसी सामंजस्य सुख शांति बनाकर रखेगा। विपरीत लिंगी मित्रों से व्यवहार करते समय मर्यादा का ध्यान जरूर रखें, मित्रों अपनी हद में रह कर ही आप किसी से भी बातचीत करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तनाव और थकान का असर स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, लेकिन डॉक्टर से सलाह लिए बिना कोई भी दवा इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। मित्रों जो डर जीवन में बन रहा है उस डर का सामना करने की कोशिश करें और अपने नकारात्मक विचारों को सुलझा कर आगे बढ़ें। हर काम पर नियंत्रण रखने की जिद ना करें मित्रों, क्योंकि हर काम जरूरी नहीं है कि जैसा आप चाहे वैसा ही। हालात को स्वीकार करें, स्वभाव में लचीलापन बनाए रखें। साथ ही मित्रों इस वक्त आपको ध्यान रखना है कि अपने नकारात्मक विचारों को सुलझा कर जीवन में आगे बढ़ें, हर काम पर नियंत्रण रखने की जिद ना करें, क्योंकि कई बार कुछ काम मित्रों हमारे हाथों में नहीं होते हैं। अब जब हम उन पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं तो इस वजह से नकारात्मकता आती है। हालातों को स्वीकार करें और स्वभाव में लचीलापन बनाए रखें। मित्रों बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कामों में बदलाव करने की आपको जरूरत है और करियर में गंभीरता बढ़ने से काम को डिसिप्लिन से किया जाएगा। रिलेशनशिप में जो बदलाव लाना चाह रहे हैं उससे संबंधित प्रयत्न करने की आपको आवश्यकता है। साथ ही मित्रों इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आपको कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, लेकिन धीरे धीरे आपका धन सही कार्यों में खर्च होगा, सही जगह लगेगा और छात्र परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन मित्रों मन में डर भी रहेगा कि कैसा परिणाम रहेगा,
और क्या परिणाम प्राप्त होंगे। छात्र पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, किसी को पैसा उधार देने से बचना है मित्रों, और यदि पैसा उधार भी दे रहे हैं तो उसकी वापसी सुनिश्चित कर लें। व्यवसाय और धन दोनों के लिए यह समय मिला जुला रहेगा। अपार धन होगा मित्रों, अपार सुख मिलेगा। आइए अब हम आपको बताते हैं कुछ चमत्कारी एवं सिद्ध उपाय जो आपके जीवन का कल्याण करने के लिए कारगर सिद्ध होंगे। मित्रों बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, ऐसा उपाय आपको बार बार बिल्कुल भी नहीं सुनने को मिलेंगे। हाथ में धन नहीं रुकता है तो अभी कर ले यह छोटा सा उपाय। मित्रों रविवार के दिन घी का दीपक जलाना फलदायी होता है। इस दिन घर के बाहरी दरवाजे के दोनों तरफ देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। माना जाता है कि परिवार को घी का दीपक जलाने से सूर्य देव के साथ साथ मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और घर आगमन भी होता है। वही मित्रों एक और छोटा सा उपाय और है जिन्हें जान लेना आपके लिए बहुत ही जरूरी होगा। मित्रों आपको क्या करना है, सावन का उपाय है। मित्रों भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पूरे 8 सावन सोमवार मिलेंगे। यदि कोई व्यक्ति तनाव और आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा है तो सावन के मित्रों पहले दिन यानी कि मंगलवार को 21 बेलपत्र के ऊपर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर मंदिर में जाकर भगवान शिव को अर्पित करें। इससे घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। तो आइए मित्रों इस उपाय को जानने के बाद वीडियो की समाप्ति यहीं पर करते हैं। दैनिक राशि फल एवं रोजाना ज्ञान वर्धक वीडियो की प्राप्ति के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अभी जुड़ जाइए।